वो साहब जोरदार नारा लगाओ, बोले भारत माता की। सबके हाथ उठते तन्ना की जोर से जयकारा होना चाहिए। सबो भाई बहनी मत मेरे जाने, बोले भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, छोटे लाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित सुंदरलाल शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंच पर उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय महादेव प्रसाद पांडे जी, मंच में उपस्थित आदरणीय मोहन मरकान जी, साम्राज्य साहू जी, रविन्द्र चौबे जी, कवासी लखमा जी, डॉक्टर प्रेम भाई सिंह जी, उमेश पटेल जी, जयसिंह अग्रवाल जी, मोहम्मद अकबर जी, अनिला भेड़िया जी, नरेंद्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, साया वर्मा जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, रश्मि सिंह जी, अनीता शर्मा जी, ममता चंद्राकर जी, चन्नी साहू जी, शकुंतला साहू जी, कुमार सिंह निषाद जी, विनय जायसवाल जी, प्रताप नायक जी, भुवनेश्वर बघेल जी, आशीष छाबड़ा जी, गुरदयाल बंजारे जी, संगीता सिन्हा जी, अंबिका सिंहदेव जी, चक्रधर सिदार जी, चंद्रदेव राय जी, विकास उपाध्याय जी, आदरणीय करुणा शुक्ला जी, कांत जी, रामगोपाल अग्रवाल जी, माधव सिंह ध्रुव जी, अंबिका मरकान जी, नरेश पटला जी, हर्षद मेहता जी, मोहन ललवानी जी, यहाँ के सरपंच किरण देवी साहू जी, मंचस सब अतिथि मन, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजन, आदरणीय भाई यतीश श्रीवास्तव जी, नवीन कुमार जी, टुकुराम त्रिपलहरी जी, रितेश तिवारी जी, विजय प्रकाश जैन जी, आशीष चंद शर्मा जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, कृष्णा चंद्राकर जी, बहुत जन मंदिका थे, सज्जन के नाम हो तो बहुत लंबा हुई, दीपक भैया भी दिखाते, रमेश भैया भी दिखाते, गोरेलाल भी है, सब साथी मन आए प्रदेश भर के कोना कोना से आए, ये पद यात्रा में आए कांवर की ये जगह ऐसे पावन धरा है, यहाँ महात्मा गांधी के पदार्पण हो रही से कंदील गांव अमर मंदिर बहुत ही पावन धरा है, यहाँ के माटी लमन माथा लगाए प्रणाम करे कांवर, यहाँ महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी से बोला पालन करे में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के अग्रणी भूमिका रही से अंग्रेज मन यहाँ खेत में पानी होने के बावजूद भी किसान मन से सिंचाई कर वसूलत रही से एक विरोध यहाँ के किसान मन छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में लड़ाई लड़त रही से ये संदेश गांधी जी कर दिए हो के इसकी तत्काल भले नहीं आ सकूं लेकिन निश्चित रूप से कंडेल और धमतरी जरूर रहूं और वो काम बापू अपन वादा ले निभाए और 1920 में गांधी जी के पदार्पण क्षेत्र में हो रही से अवकरे से थी आज गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर में कंडेल से पद यात्रा हम शुरू करें तो बापू के जो निस्मृति है ये चिर स्थायी बनाए बर हमने काम ल करत। शुरुआत आज पूरा देश में दुनिया में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा, गांधी जी का रास्ता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का रास्ता, गांधी का रास्ता जिन संत महात्मा मन ऋषि मुनि मन जिन आदिकाल से संदेश दे थे
वो संदेश ला जन जन तक पहुंचाए के काम, चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान शंकराचार्य हो, चाहे कबीर हो, गुरु नानक हो, चाहे वो तुलसी हो, मीरा हो, चाहे वो संत गुरु घासीदास हो, इस संत मन के रास्ता जिमें मानवता के संदेश है। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के मन के एक समान ये संदेश यदि प्रतिध्वनित कागरों कार्यक्रम में दिखाई देते तो गांधी के कार्यक्रम, गांधी किसान मन के लड़ाई लड़े, गांधी मजदूर की लड़ाई लड़े, गांधी नारी उत्थान के काम करे, गांधी नारी शिक्षा की दिशा में काम करे, गांधी स्वावलंबन के काम करे, गांधी अपन हाथ से संडास साफ करे के काम करे, गांधी अपन सर में मैला ढोए के काम करे, गांधी अपन हाथ से चप्पल बनाए के काम करे, गांधी हिंदुस्तान के आम जनता ला एक सूत्र में पिरो के काम करे और सत्य अहिंसा के माध्यम से जिन अंग्रेज मन के राज में कभी सूर्यास्त नहीं होतरी से बोलो खार फेंके के काम करे। आज गांधी के पहले कभी भी अहिंसक आंदोलन नहीं हो रही से, अहिंसक आंदोलन के बाद सुन के, अहिंसा के बाद सुन के दुनिया ऊपर ऊपर हंसा है। आज तक हिंसक क्रांति हो दुनिया में, अहिंसक क्रांति अहिंसा और सत्य के माध्यम से लड़ाई लड़ेगे कोनो काम करे तो गांधी करे है। बल्कि ये अहिंसा केवल गांधी नहीं बल्कि ओकर पहली बुद्ध, ओकर पहली महावीर, ओकर पहले आप वेदांत और उपनिषद में भी एक उल्लेख मिलते। लेकिन अहिंसा धारण करे के काम, अहिंसा आम जन जन तक के पहुंचाए के काम, अहिंसा आम व्यक्ति के ताकत बनाए के काम कोनो करे है तो महात्मा गांधी करे है। अंग्रेज में लोग हार फेंके के काम करे और इन चल के बहुत अपन देश जिन मन गुलाम रही से गांधी के रास्ते में चल के आजादी प्राप्त करे। ऐसे दुनिया ला एक नया रास्ता बनाए के बताए के काम ला गांधी करे। गांधी जी के करनी और कथनी में अंतर नहीं रही से, जिन कहा ओकर पहली खुद अपना लेतरी से, अपन हाथ से सब काम करतरी से, स्वावलंबन के बाद कहातरी से, भाईचारा प्रेम सहिष्णुता के बाद कहातरी से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं गांधी ल अंग्रेज मन नहीं मारे, गांधी ल गांधी के हत्या के प्रयास अफ्रीका में भी हुए, गांधी के हत्या के प्रयास हिंदुस्तान में हुए। बाद जनमन कहते कि पाकिस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार है, देखा स्थिति गांधी की हत्या के गई। लेकिन आप लोग मैं बताना चाहता हूँ जिन समय पाकिस्तान के बाद भी नहीं उठे रही थे उस समय गांधी की हत्या की कोशिश की गई, जिन ट्रेन में जाती थी ऊपर पटरी उखाड़े के काम, जहाँ प्रार्थना सभा चलती थी वहां बम फेंके के काम, जिन गाड़ी में जाती थी वहां छुरा लेकर हत्या करे के प्रयास अनेक बार किए गए है। और ये काम कौन करे? नाथूराम गोडसे होकर संगवारी मन करी, ये मन कौन है काबर को हत्या करने चौधरी से? वो तो गांधी जी है, अंग्रेज मन भगाना चौधरी से, देश में स्वराज्य की स्थापना करना चौधरी से। लेकिन कुछ मन पसंद नहीं रही थी गांधी के काम, गांधी जिन चमड़ा के चप्पल बनाए के काम कर रही थे ये आदमी मतलब बर्दाश्त नहीं हुई। गांधी संडास साफ कर रही थे ये मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थे, गांधी किसान मन के आंदोलन कर रही थे ये मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थे,
गांधी मजदूर मन के आंदोलन करत रही से, ए मल्लो बर्दाश्त नहीं होत रही से, आम जनता के हित हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर महिला जागृत हो ये मल्लो पसंद मेरी से उन्हीं विचारधारा का आदमी मन गांधी की हत्या कर रही। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे 185 वर्ष गांठ है, छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का देश हमन कही था ये गांधी के विचार है जिन्हें आजादी दिले, ये गांधी है जेकर से संविधान बनी, ये गांधी है जिन्हें हमन लोग बोले के अधिकार मिले है, ये गांधी है जिन हमन लोग शिक्षा प्राप्त करे का अधिकार मिले है, ये गांधी के विचारधारा है जो हमन लोग रोजगार प्राप्त करे का अधिकार है, ये गांधी के विचार है जिन आज विधानसभा और लोकसभा में बैठे है, ये गांधी के विचार के कारण से संभव हो है, एकर मन के विचार के कारण से नहीं। बहुत जन मन सवाल करते छत्तीसगढ़ में क्या करे, छत्तीसगढ़ में अभी हमर रविन्द्र चौबे जी बता दी से, कवासी लखमा बता दी से, छत्तीसगढ़ में गरीब के आंसू पोछे के काम ये छत्तीसगढ़ सरकार कर, किसान मन ने मजबूत करे के समृद्ध करे के काम यदि कोनो करे है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार करे। आज हिंदुस्तान में कोनो ऐसे राज्य नहीं जिन 25 रुपए क्विंटल दे कोई धान के, ऐसे कोई राज्य नहीं जिन तेंदू पत्ता की मतलब 4000 प्रति मानव बोरा के दर से खरीदा तो ही, ऐसा कोई राज्य नहीं जिन 400 रुपए के बिजली बिल घर के बिजली बिल आधा करे हुई, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिन चना भी दे थे, चावल भी दे थे, नमक भी दे थे, अब आदिवासी मल्लक गुड़ भी दे के काम करा थे, ये छत्तीसगढ़ सरकार है। छत्तीसगढ़ के सरकार आम जनता के हित पर आज चाहे इलाज के बात हो, चाहे सुपोषण के बात हो, गांधी जी यहाँ के लड़का मन मजबूत हो, लेकिन पिछला सरकार की उपलब्धि का बहुत किसे बहुत उपलब्धि 15 साल में हमन बहुत करें, मैं पैमाना मानता हूँ आदमी ला एक व्यक्ति ला जब गांधी के व्यक्ति ही हमारी इकाई है, तो आज छत्तीसगढ़ में स्थिति का है, हमार 37.6% लड़का मन कुपोषित कमजोर है, जब का ओकर मन के वजन होना चाहिए नहीं है, 41.5% हमार महिला मन के शरीर में खून के कमी है, यदि लड़का कमजोर है, हमार मातारी बेटी मन कमजोर है, तो फिर मजबूत छत्तीसगढ़ कैसे बन सका, यदि मजबूत यदि मजबूत हिंदुस्तान बनाना है तो मजबूत छत्तीसगढ़ बनाए लगे, और मजबूत छत्तीसगढ़ बनाना है तो हमारे लड़का मन मजबूत करे लगे, ओकर स्वास्थ्य ओकर शिक्षा के व्यवस्था करे लगी, हमारे महिला मन आत्मनिर्भर बनाए लगी, ये गांधी का रास्ता जिन्हें किसानों को मजबूती दे के काम, आदिवासी मन लोग अधिकार दे के काम, ये काम हमारे सरकार करा, आज पूरा देश में मंदी के दौर चला थे लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी के कोई प्रभाव नहीं है, कि किसान के जेब में पैसा है, आदिवासी मन के जेब में पैसा है, वो कपड़ा भी खरीदा थे, वो साइकिल भी खरीदा थे, मोटरसाइकिल खरीदा थे, गद्दा खरीदा थे, सोफा खरीदा थे, पंखा खरीदा थे, कूलर खरीदा थे, एसी खरीदा थे, नवा नवा मकान बनाए थे, ट्यूबवेल लगावे थे, सिंचाई की योजना लगावे थे, आज हमार सरकार 15 साल में करवन के राज में बड़ा गौ भक्त बनते, गायक नाम से वोट मांगते, लेकिन आज स्थिति का है छत्तीसगढ़ में 1,25,00,000 मवेशी है, गौधन 1,25,00,000 और बीमारस कब का सिजरत है, 35,00,000 जानवर है, बीमारस बरोबर किजरत है, हमारे खेत लचरत है,
सड़क में एक्सीडेंट हो थे, आज ओकर मन के दुर्गति है। हमार खेती न बचाना है, ओकर स्थिति गौठान योजना। आज कंडेल के साथी मन में बधाई देना चाहता हूँ, ये स्वयं गांव वाला मन मिल के जिन अतिक्रमण है तेरा हटाए के काम करे। कंडेल के साथी मन में बधाई देना चाहता हूँ, जिन अपन पैसा 5 लाख रुपए एकत्रित करके खुद के गांव वाला मन गौठान बनाए। एक जिन कंडेल के जते भी भाई बहनी है, जिन दान दाता है, मन सब हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ कि यही गांधी के रास्ता है। जिन हमारा अवस्था है जगतपुर से हम खुद करा राज कंडेल गांव या गांधी आयरी से, वो गांधी के रस्तम चले काम लग कंडेल के नर नारी मन करे है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता, कत सुंदर गौठान बने हैं। जिन कंपोस्ट खाद भी बनाते, वर्मी खाद बनाते, गोबर गैस प्लांट भी लगे है, सब काम नस्ल सुधार करे काम भी हुई, गाँव में दूध की नदियां बहाई, गाँव वाला मतलब रोजगार मिली और खेत लग कंपोस्ट खाद मिली। अरे कंपोस्ट खाद वर्मी खाद हमारे खेत में डलाई, रासायनिक खाद सबसे ज्यादा धमतरी जिला में प्रयोग होते। आज हमारा संकल्प लेना है कि सबसे ज्यादा हमारे जैविक खेती होते तो धमतरी जिला में होते, ये भी हमारा परिवर्तित करना है। काबर की रासायनिक खाद और दवाई डाले से हमारे साग भाजी जहरीला होते, हमारे फल मन जहरीला होते, हमारे अनाज मन जहरीला होते। यदि अनाज जहरीला हुई, साग सब्जी फल जहरीला हुई, तो फिर आप समझ लो कि हमारे शरीर में उकर का प्रभाव पड़े। और स्थिति जरूरी है, ये सरकार भर की योजना न है, ये हमारे जीवन शैली है। और ये तो भूपेश बघेल पहली बार नहीं करे थे, पता है नहीं कब से हजारों साल से हमारे छत्तीसगढ़ में गौठान के परंपरा है। ये लोग पुनर्जीवित करे काम, व्यवस्थित करे काम और लाभकारी बनाए के काम लगे छत्तीसगढ़ सरकार करे। रोजगार भी मिली जिन गांधी जी का रास्ता स्वावलंबन, गांव में महिला मन के समूह, गांव में हमारे नौजवान मन के टोली, ये मतलब रोजगार मिला, ये काम छत्तीसगढ़ सरकार करे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है, जिनमें कबीर के वाणी गुण से, गुरु घासीदास जी के वाणी गुण से, स्वामी आत्मानंद जी के और हमारे संत महात्मा मन के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के, समाज सुधारक मन के बड़ा योगदान और कथित बहुत शांति प्रिय हमारे छत्तीसगढ़, जैसे गांधी शांति का रास्ता, अहिंसा का रास्ता चला, जैसे हमारा आम छत्तीसगढ़ जी, हमारा भाईचारा प्रेम सौहार्द के हम सब गांव रिथन, सबो जाति धर्म के मानने वाला हमारे रिथन, कोनो कृष्ण माना थे यादव समाज के, कोनो राम ल माना थे, कोनो कबीर ल माना थे, कोनो कर्मा ल माना थे, कोनो गुरु घासीदास ल माना थे, कोनो बूढ़ा देव माना थे, हम सब के मानने वाला और सबों के धर्म सबो कार्यक्रम में हम सम्मिलित होता, ये रास्ता तो गांधी का रास्ता है। अनेकता में एकता, ये हमारे हर गांव में देखे मिली। मुस्लिम भाई मन भी रही थे, ईसाई भाई मन भी रही थे, आदिवासी और सतनामी भाई मन रही थे, यादव कुर्मी कलार तेली सब सब जात के मन एक साथ रिसन, हमारे भाईचारा हजारों साल से हमारे रहा था। लेकिन ये मन नहीं चाहे वो मन किसी एक राष्ट्र एक धर्म, हम सबके मानने वाला ऐसे कोनो है का जिल हमन नहीं माना, कोनो जाति के कार्यक्रम हो तो हम नहीं जान, हम सब जात हैं सब न मान हैं, ये हमक ताकत अनेकता में एकता, ये संदेश गांधी जी के रास्ता है, ये कांग्रेस के रास्ता है, ये संत महापुरुष मन के रास्ता। आज गांधी जी पंचायती राज के बात करी तो पहली बार पंचायत की बात हो, पंचायत हमारे परंपरा आदि काल से व्यवस्था चले आए, गांव जैसे हमारे छोटे से गणराज्य, हर गांव अपने आप में गणराज्य, भले शक्ति नहीं रही थे लेकिन गणराज्य व्यवस्था रही थे, ओकर वो ताकत ल गांधी जी पहचानी, कावर के अंग्रेज में छिन्न भिन्न कर दे रही थी, वो ताकत ल पुनर्जीवित करे के काम और ये काम ल राजीव गांधी नरसिंह राव मन लागू करे और आज पंचायती राज बहुत मजबूती के साथ करे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं
हमारे साथी मन कुछ मांग रखे हैं कंडेल में, यदि मांग रखे हैं और कंडेल में बात घोषणा नहीं करूं तो मैं समझता मैं कंडेल वाला मन के साथ अन्याय नहीं करा, मैं अपन आप ऊपर अन्याय करूं। कंडेल के साथी मन कहेंगे महाविद्यालय खुलना चाहिए, या महाविद्यालय खुली, या पुल के मांग रखे हैं, ये पुल के ही घोषणा हम करा था और अभी ये पड़ोस गांव में गोपालपुर में